हैं, सनातन का जयघोष करते जाते हैं, देश और धर्म के प्रति आपका लगाव रहता है? देखिए, हम हिंदू हैं, बड़े हिंदुओं का ही देश है हिंदुस्तान है। अगर यहाँ भी अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान में लाहौर में होगा। जी, इसलिए ये धर्म ध्वजा जो हम लेकर चलते हैं वो हमारे सनातन में तो वैसे तो विश्व का कल्याण हो। यात्रा के माध्यम से कहाँ कहाँ अलग जगाते रहे, लोगों से एकजुट होने के लिए कहते रहे? देखिए, हमारी वृंदावन से श्री मोरकुट आश्रम से यात्रा चली, वृंदावन से मथुरा आई, मथुरा से ध्रुवटीला आई, ध्रुवटीला से सीधे तालवन होते कुदरवन तालवन होते हुए गोवर्धन गई, गोवर्धन के बाद यानी डीग गई, डीग के बाद आदिबद्री, आदिबद्री के बाद केदारनाथ, और जब तक हमारे योगी जी और मोदी जी हैं तब तक राम राजा ही होगा। क्योंकि अभी योगी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, तुम बटोगे तो कटोगे। और देखिए 1947 में पाकिस्तान में यानी बट गए तो वहां कट गए, अभी बांग्लादेश में कट गए, केरल में कट गए, जगह जगह जहाँ भी हिंदू बटे हैं सदैव। आज नहीं, इतिहास उठा के देख लो, जब हम बटेंगे तब कटेंगे। पूज्य संत महाराज जी के जहाँ पर भी दर्शन हो जाए, आप ये समझिए कि वो दिन पावन और पवित्र हो जाता है। आज हमारा सौभाग्य कि बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो रहा है, चारों तरफ संत महाराज जी ही दिख रहे हैं। ऐसा पावन पवित्र दिन और इस पावन अवसर पर पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर मोर कुटी पीठाधीश्वर पूज्य परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी का दर्शन हो जाए तो मन आनंदित हो जाता है, भाव से भर जाता है। 84 कोसीय परिक्रमा में बहुत सारे संत साथ में चले, पूरी परिक्रमा में आनंद का भाव था, पूरी परिक्रमा में जय घोष था, पूरी परिक्रमा में पूज्य संत महाराज जी लोगों की ललकार थी और उस ललकार में हर तरफ सनातन की जय जयकार थी। तो आइए पूज्य महाराज जी से परिक्रमा के बारे में जानते हैं और साथ ही सनातन के जय जयकार और जय घोष के बारे में भी बातचीत करते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। जी, परिक्रमा का क्या ऐसा भाव था? अच्छा। और किस तरह से संतों की टोलियां निकलती थी, हर तरफ संत ही संत दिखाई देते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये श्री देवरा बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा थी, 21 दिवसीय थी और ये पैदल थी। ये श्री मोरकुट आश्रम वृंदावन से आई और मेरे राम निर्मोही अखाड़ी से महामंडली सुने। हमारी यात्रा का सबसे पहले ये बंगाली कॉलोनी में मनमोहन जी ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। इसके बाद जिस जगह अपन बैठे हनुमान बगीची, यहाँ बाल भोग हुआ, फिर वापस में देखिए पूरे परिक्रमा के बाद फिर भंडारा हुआ। तो पूरे ब्रजमंडल में संतों ने, ब्रजवासी ने, भक्तों ने विशेष सेवा करी। अकेले पूरे ब्रजमंडल में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ संतों को पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। प्रथम कोकलावन, कोकलावन में संतों के लाने कोई व्यवस्था नहीं। द्वितीय बंसीवट, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तृतीय चिंताहरण, यहाँ भी संतों की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी पूरे ब्रज मंडल में इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई, डक डक पे संतों ने आश्रमधारी संतों ने, ब्रजवासी ने, ब्रजवासी वृंदावन के और यानी हमारे मथुरा के सेठों ने, सभी ने मिलकर विशेष भंडारा करा। गोवर्धन में भी यानी वहाँ के जो विधायक हैं ठाकुर मेघ श्याम वर्तमान विधायक, उनने भी भंडारा दिया। वो मथुरा के सेठों ने बहुत विशेष भंडारे दिए, वृंदावन में भी मथुरा के सेठों ने भंडारा दिया, ध्रुवटीला पे भी मथुरा के सेठों ने भंडारा दिया और श्याम ढाक पे भी दिया। और एक दिन का तो विधायक जी ने गोवर्धन में भंडारा दिया, एक दिन का भंडारा भी हमारे मथुरा के सेठों ने ही गोवर्धन में भी दिया। हाँ, इस प्रकार संतों ने विशेष सेवा करी, ब्रजवासी ने खूब सेवा करी। अकेले 3 स्थान ऐसे रहे, हमें इस बात का खेद है, वो तीनों स्थान संतों के होने के बाद भी कोई भी सेवा नहीं हुई, संतों की ना बैठने की, ना भोजन की, ना पानी तक की वहाँ व्यवस्था नहीं रही। तो हम जिन जिन संतों ने सेवा करी उन सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम है, और जो ब्रजवासी ने सेवा करी उनको हम श्री मोरकुटी हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे वो सब लोग दिन दूने रात चौगुने बढ़े और सदैव उनके घर में मंगल होए। जय जय श्री राधे। इस बार की परिक्रमा में क्या खास बात रहा है? एक वाद्य यंत्र भी नया देख रहा हूँ, वो भी चल रहा है,
सब भजन कीर्तन करते हुए आनंद से। इस बार मौसम अच्छा रहा, एक कहावत है मौसम है दीवाना, तो ये मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हमारे सब साधु यानी जहाँ से हमारी परिक्रमा चालू प्रारंभ होती थी और जहाँ एंड वहाँ तक कीर्तन होती जाती थी और भते भते देखिए यंत्र थे हमारी परिक्रमा में और सभी इसमें करीबन 20-25 जने बढ़िया संगीत से जो ढोलक बजा लें, हारमोनियम बजा लें, एक टिमकी बजा लें, मजीरा बजा लें, सब बजाते, हम भी ढोलक बजाते हैं कीर्तन में। इस प्रकार कीर्तन करते करते और ठाकुर जी की कृपा से, यहाँ द्वारकाधीश की कृपा से, वृंदावन में बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, हमको पता ही नहीं पड़ा और 21 दिन व्यतीत हो गए। जी अब जो जो कोई संत देख रहे, भगत देख रहे, ब्रजवासी, उन सब से मेरा कहना है कल श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन में भंडारा है, आप सभी पधारे, आपका सबका निमंत्रण है, कल 24 का भी है और 25 का भी है। 25 का भी है। जी कैसे गांव के लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़ते थे, रास्ते में संतों का दर्शन होता था, उनके लिए अनुभूति क्या रहती थी? देखिए हमारे जो पंपलेट हैं परिक्रमा पहुंचने से पहले बढ़ जाते हैं, जो जो भगत हैं वो सेवा करने वाले ले जाते हैं, तो वो सब लोग पहले ही सावधान हो जाते थे और ढोल मंजीरा से, बैंड बाजे से, फूल माला से सभी का स्वागत अभिनंदन करते थे। अब यहाँ भी आप देख रहे, हमने बाजार से खरीद के थोड़ी माला पहन ली, सब सेठों ने और माताओं ने ही सब करवाया। जी। अब यहाँ भी देखिए सबको बढ़िया भेंट विदाई भंडारा फूल माला से सब स्वागत हुआ, इसी प्रकार पूरे ब्रज मंडल में स्वागत हुआ। जी मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ जाते हैं सनातन का जय घोष करते जाते हैं, देश और धर्म के प्रति आपका लगाव रहता है। देखिए हम हिंदू हैं और हिंदू का ही देश है हिंदुस्तान है, अगर यहाँ भी अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान में लाहौर में होगा। जी, इसलिए ये धर्म ध्वजा जो हम लेकर चलते हैं वो हमारे सनातन में, तो वैसे तो विश्व का कल्याण हो, मानो मेन तो हिंदू का कल्याण हो, क्यों कि हम हिंदू हैं और हिंदू में आतंकवादी कोने में कौन है वो हमको पता नहीं है, और पता है तो हम बताएंगे नहीं, मानो हमारे भारत में कोई भी हिंदू में ना आतंकवादी है, ना डाकू है, ना चोर है। जी, इसलिए हम उनकी तो जय बोलेंगे जो सात्विक होंगे। जी इस बार बहुत सारे विशेष अस्त्र शस्त्र भी मैं नहीं, ये तो हर बार लेके चलते हैं, आपके थोड़ा और बढ़ा दिया गया, समय के अनुसार बढ़ा दिया, क्योंकि अब यानी राम राज चालू हो गया, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में राम जी विराजमान हो गए, जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो गए, उसी दिन से राम यानी राज चालू हो गया। जी और जब तक हमारे योगी जी और मोदी जी हैं तब तक राम राज ही होगा, क्योंकि अभी योगी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, तुम बटोगे तो कटोगे, और देखिए 1947 में पाकिस्तान में यानी बट गए तो वहां कट गए, अभी बांग्लादेश में कट गए, केरल में कट गए, जगह जगह जहाँ भी हिंदू बटे हैं सदैव, आज नहीं इतिहास उठा के देख लो, जब हम बटेंगे तब कटेंगे, इसलिए हम सबको एक करने के लाने चले हैं, जो हम अपन को किसी की हत्या नहीं करना, मगर हमको सावधान भी रहना, क्यों कि ये देश हमारा है और हमें वो करना जो हमारा भारत देश आगे बढ़े, इसकी उन्नति हो और हमारे हिंदू धर्म बढ़े। यात्रा के माध्यम से कहाँ कहाँ अलग जगाते रहे लोगों से एकजुट होने के लिए कहते रहे। देखिए हमारी वृंदावन से श्री मोरकुटी आश्रम से यात्रा चली, वृंदावन से मथुरा आई, मथुरा से ध्रुवटीला आई, ध्रुवटीला से सीधे तालवन होते कुदरवन तालवन होते हुए गोवर्धन गई, गोवर्धन के बाद यानी डीग गई, डीग के बाद आदिबद्री, आदिबद्री के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद यानी कामा, जो आद वृंदावन कहा जाता है अनादि काल का कामा, कामा से कदम खंडी, कदम खंडी से बरसाना, बरसाने के बाद नंदगांव, नंदगांव से कोकलावन, और कोकलावन के बाद कोसी, कोसी के बाद शेरगढ़ पैगाड़ पैगाव होते हुए, और इसके बाद हम नंदघाट पहुंचे। अब की पहले हम बड़ी परिक्रमा करते थे जो 108 कोस की है, अब की हमने 84 परिक्रमा करी, 84 कोस की परिक्रमा करी, नंदघाट से यमुना पार होकर भद्रवन, भद्रवन होते हुए यानी बंसीवट, बंसीवट से माट, माट से राया, राया से बंदी कारब, आनंदी देवी, बंदी देवी होते हुए दाऊ जी पहुंचे, दाऊ जी हमारे ब्रज के राजा हैं, दाऊ जी में दर्शन करे, इसके बाद चिंतारण, ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट के मैन जी ने बहुत बढ़िया सबका स्वागत किया, भंडारा दिया, इसके बाद 84 खंबा, 84 खंबा से गोकुल, और गोकुल से श्री हमारे मधुपुरी मथुरा। सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या संदेश देंगे
क्या परिक्रमा के माध्यम से? देखिए मेन संदेश यही है, हमारे सब सनातन धर्म को मानने वाले, जानने वाले, चलने वाले को प्रातः काल जल्दी उठें और मात पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करें सब जानी। जब जल्दी उठ जाएंगे तो हमारे राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भाई माता, तो अपने सनातन में माता पिता ही गुरु हैं, वो ही भगवान है। प्रातः काल जल्दी उठे, बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद ले और फिर अपना जो नित्य कर्म है उसमें लग जाए। कोशिश करें कि अपन से किसी का अनर्थ ना हो जाए, पाप ना हो जाए। मन जो पापी है उनसे भी, जो आताताई हैं, विधर्मी हैं, उनसे भी बचने की बहुत आवश्यकता है जी। आज लगता है कि विधर्मियों की शक्ति बढ़ रही है उनसे? नहीं, ये कभी नहीं बढ़ेगी। अच्छा हाँ, दुष्ट संग दुष्टों की कभी नहीं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धन विविध शरीरा, हरे कोट सज्जन की पीरा। ये है शक्ति, तो हम में ही है वो शक्तिहीन है मनो। ये है दुष्टों के मुंह नहीं लगा जाता, मन जब वे नहीं मानते तो ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में अपतृत होते हैं और उनका संघार, मतलब विधर्मियों का, आतताइयों का संघार होगा अगर दुष्टता करेंगे। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, एकदम संत की बात है। संत की बात नहीं है और एक सत्य भी है जी, जी। हाँ, पापी को मारना नहीं पड़ता, वो आप पाप में मर जाता है। मनो हमको सावधान रहना होगा, क्यों कि ओला गिरेगा तो गलेगा, मनो जिस पे गिरेगा उसको भी थोड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए विधर्मी से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है जी। पूज्य महाराज जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और आपकी यात्रा में खास बात ये रहती है, सनातन की अलग जगाई जाती है, सनातन के लिए, कि जिस तरह से आज का वातावरण बन रहा है ऐसी स्थितियों में, ऐसे हालात में हम सबको एकजुट रहना है और सनातन की ओर लौटना है। आज का भाव, आज की भक्ति और आज का ये सब दर्शन देखकर आप सब भी सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे कि इस परिक्रमा में हम शामिल क्यों नहीं हुए। परिक्रमा की खास बात यह है कि पूज्य संत महाराज जी और संत ही रहते हैं, यहाँ आप लाखों रुपए दे दें लेकिन गृहस्थ को यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता। परिक्रमा में सिर्फ और सिर्फ संतों की टोली दिखाई देती, तो इतनी बड़ी संतों की टोली अगर आप सबको देखनी है तो अगले वर्ष फिर मोरकुटी के माध्यम से परिक्रमा निकलेगी। आप सब इस परिक्रमा में शामिल हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गुरुदेव महाराज की जय। बहुत सारे भक्तगण जो है परिक्रमा में सेवा करते हैं, स्वागत करते हैं पूज्य महाराज जी का, तो भक्तों से भी जानते हैं, जब इतनी बड़ी संतों की श्रृंखला देखते हैं तो मन में क्या भाव होता है? क्योंकि आज तो विधर्मी ज्यादा हैं, राक्षस ज्यादा हैं, तो आनंद आ रहा है, वर्णन नहीं कराया जा सकता। संतों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं जी जी, उनका होना बहुत कठिन है जी। हमारे सौभाग्य की बात है कि बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद है, आज बगीचा में ऐसा रंगल मंगल हो रहा है, जो संत महाराज आए हैं, 84 कोस की परिक्रमा 21 दिन में समाप्त हुई है वृंदावन धाम मोरकुटी के महाराज जी के सानिध्य में, और बहुत आनंद बढ़ रहा है, उसका वर्णन करना असंभव है। हनुमान जी के सानिध्य में, पितरों के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ, धूमधाम के साथ, विशाल भंडारा बना हुआ है, चल रहा है, साधु संतों की कृपा है, महाराज जी का बड़ा स्वभाव विशेष सरल है और उनकी कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसे ही रंगल मंगल होता रहे और आशीर्वाद महाराज जी का बना रहे जी, जी। बोलो राज महाराज की जय। ये स्थान कौन सा है? बगीचा लाला मुन्ना लाल श्यामला सराफ, हमारे
पूर्वजों ने आज से 108 साल पहले इसको स्थापित किया जी। उसके बाद हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसमें जिस वक्त बगीचा खरीदा गया उस वक्त शंकर जी का मंदिर मौजूद था, कुआ था, तिवारी थे जी जी जी। आज हमारा पूरा खानदान करीबन 300 आदमी का परिवार है जी जी, इस बगीचा से जुड़ा हुआ है जी जी। इसमें 2 प्रोग्राम हर साल हनुमान जयंती का और होली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सामूहिक परिवार से ये किया जाता है, वहीं से पैसे का कलेक्शन होता है जी। और उसमें हनुमान जयंती में अपनी बहन बेटियां, बहू बेटियां, अपना परिवार, नाते रिश्तेदार सब एकत्र होते हैं जी। इसके साथ एक प्रतिवर्ष गुरु कृपा परिवार अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। ये शरद पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष जी यहाँ पर 56 भोग के दर्शन भी कराते हैं जी, जी। इस बगीचा की ये अमूल्य शक्ति है कि हनुमान जी महाराज यहाँ पधरे हुए हैं, शंकर जी पधरे हुए हैं, कैला जी, चामुंडा जी पधरी हुई हैं, वो हमारे पूर्वज भी यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ के लता पताओं में भी काफी शक्ति है, इसीलिए हमारा परिवार से जुड़ा हुआ है। जो मनोकामना हमारी पूरी नहीं होती है तो जो दुखी लोग आते हैं अपने परिवार के, वो यहाँ पर आकर के सुखों की प्राप्ति प्राप्त करते हैं जी। पर जी। यही मैं कहूँगा जी, यही मैं विश्राम करता हूँ। जय श्री राम।